से मिलते, बातें करते, उनकी सद्भावना बटोरते वे आगे बढ़ते रहे। भीलनी के बेरों सा ही प्रेम लोगों द्वारा दी गई केलों की सौगात में, प्रधानमंत्री की मिजोरम यात्रा का एक लक्ष्य ये भी था कि वे खुद देखें कि यहाँ विकास कार्यक्रम किस तरह चल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री थेनजोल के हथकरघा उद्योग देखने भी गए। दस्तकारी में दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने कारीगरों से बड़ी आत्मीयता से बातचीत की। प्रधानमंत्री खुली जीप में यात्रा करते हुए लोगों से मिलने कई बार रास्ते में रुके और लोगों से बातें करते मिलते लुंगलेई की ओर बढ़े। उन्होंने हर जगह लोगों को विश्वास दिलाया कि हर भाषाई वर्ग की संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने और उनका विकास करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके बाद श्री राजीव गांधी ड्यूटलोंग, काउंगुई और कुलासिव आदि स्थानों पर गुजरते हुए लोगों से मिले। रास्ते में एक झरने के रूप में प्रकृति के सुंदर नजारे को देखकर प्रधानमंत्री उसकी फोटो लिए बिना ना रह पाए। फिर एक बार लोगों की जय जयकार के बीच श्री राजीव गांधी। स्थानीय लोग उनसे इस तरह मिलते जैसे श्री राजीव गांधी उनके अपने परिवार के ही एक सदस्य हों। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कई स्थानों पर अपनी जीप स्वयं भी चलाई। स्कूली बच्चों, बड़े बूढ़ों, सभी ने रास्ते भर उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ लोगों ने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्हें एक शाल भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने उस शाल को इस तरह ओढ़ा मानो मिजोरम की सारी सद्भावना और प्रेम उसी में समेट लिया हो। मिजोरम समझौता और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की ये मिजोरम यात्रा निस्संदेह यहाँ के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने में